दिस इज सुपर ब्यूटिफुल बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आई आम श्योर की आज का जो ये हॉल है ना आप लोगों को जरूर से पसंद आयाकम बैक टू माई चैनल आन वेलकम बैक टू ए नादर हॉल वीडियो और आज का जो ये वीडियो है ना गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ मिंत्रा हॉल दैट टू फॉर ट्राउजर्स आई नो गाइस आप लोगों ने मेरे ट्राउजर का जो कलेक्शन है ना वो हमेशा बहुत ज्यादा पसंद आता है और आज का जो कलेक्शन है ना ये लिटरली बहुत अच्छा है टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स है ना गाइस जो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सो दे आर 7 एंड दे ऑल आर जस्ट अमेजिंग बहुत ज्यादा अच्छे ट्राउजर्स है गाइस इनकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छी है इनका मटेरियल बहुत अच्छा है इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड सबसे अच्छी they are very सब बात दे ऑल आर वेरी अफोर्डेबल सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर गो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो सो लेट्स स्टार्ट कमिंग अप टू द फर्स्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल जो पहला ट्राउजर है गाइस दिस इज अ स्ट्रेट

सेलिब्रिटीज वगैरह को भी देख लिया इस वाले कलर को पहने हुए एंड दिस इज ट्रेंडिंग अ लॉट और इस वाले ट्राउजर का जो मटेरियल है ना इज रियली रियली अमेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइक like, बहुत ही ना बहुत ही ब्यूटीफुल ये मटेरियल है आई होप कि ना कैमरे पे आप इसका ना ये मटेरियल देख पा रहे हो दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल लाइक बहुत सच में बहुत ज्यादा अच्छा मटीरियल है इसका और इसकी जो वेस्ट लाइन है ना गाइस इज सो नाइस लाइक बहुत अच्छी सी ना इलास्टिसिटी है इसकी वेस्ट लाइन में जिसकी वजह से ना ये बहुत अच्छे से ना फिट हो रहा था लाइक like, फिटिंग में ना कोई भी इशू नहीं आ रहा था और पहनने के बाद ना ये वाला जो ट्राउजर है ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था आई होप कि ना इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे तो इसमें ना तीन कलर और भी अवेलेबल है और अभी जो इसका प्राइस हो गया ना गाइस इज सिक्स थर्टी रुपीज मैंने इसका स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ सो so दैट की ना मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी एंड यहाँ मतलब तो यहाँ पे ना अटैच कर दूंगी आप लोग देख पाओगेबल अगर ये ट्राउजर सिक्स थर्टी रुपीज में मिल रहा है ना दिस इस दिसलो मटेरियल है ना ये लिटरली बहुत अच्छा है ना बिल्कुल भी सी थ्रू वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छा सा ना लाइक मुझे इसका स्टफ ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आगे की तरफ ना इसमें इस तरह के बटन बटन क्लोजर दिए हुए हैं एंड दिस इज दिपर एंड पहनने के बाद मैं इसका जो फिट आ रहा था यह बहुत ज्यादा अच्छा रहा था तो आई जस्ट Loved it and this is just, just amazing. इसके बाद अगला ट्राउजर है, के नेक्स्ट तो जगला है तो मैं इसको पहले क्लोज कर लेती हूँ सो दैट कि मैं आपको प्रॉपरली इसको दिखा पाऊं सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट ट्राउजर लुक इन वेरी ब्यूटिफुल ब्ल्यू कलर और मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मोस्ट फॉर्मल कलर ऑफिस में जो सबसे ज्यादा कलर पहना चाहता है ना वो यही वाला होता है इन ब्ल्यू स्पेशली इन ट्राउजर्स या तो लोग ब्लैक कलर पहन रहे होते हैं या फिर ये वाला कलर पहन रहे होते हैं और ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ये वाला जो ट्राउजर है ना गा इसका जो ये कलर है इसमें ना बहुत सारे इस तरह का ना पैटर्न टाइप दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों को दिखाई दे पाएगा कि ना ये कंप्लीट ब्ल्यू नहीं है इसमें ना इस तरह का ये पैटर्न काइंड ऑफ दिया हुआ है जिसकी वजह से इसका जो लुक आ रहा है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है तो ये वाला जो ट्राउजर है ना गाइस पहले तो मैं आपको ना इसका प्राइस बता देती हूँ कि ये कितने का है इसका जो प्राइस है ना गाइस एज सिक्स नाइन नाइन और साइज जो मैंने परचेज किया है ना इस थर्टी टू वैसे तो मेरा साइज है ना गाइस एस थर्टी तो बाकी जितने भी ट्राउजर्स है ना मैंने उनमें साइज थर्टी परचेज किया है जिसमें मैंने साइज थर्टी टू लिया होगा ना मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी ताकि आपको पता लग पाएगा कि ना उस वाले स्पेसिफिक ट्राउजर में ना एक साइज अपग्रेड करके लेना पड़ेगा अदरवाइज ना उसका फिटिंग में प्रॉब्लम होगा तो ये वाला जो ट्राउजर न है ना गाइस इसमें मैंने साइज थर्टी टू लिया था, था मतलब मैंने अपने एक अपने साइज से एक साइज बड़ा इसमें परचेज किया है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक गाइस एंड लुक एट इट हाउ ब्यूटीफुल इट इज इसमें यहाँ पे इस तरह के ना बेल्ट की जो ऑप्शन है ना वो इस तरह के बने हुए हैं पीछे ना पॉकेट्स के इस तरह से डिजाइन बना हुआ है बट यहाँ पे पॉकेट्स अवेलेबल नहीं है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक गाइस तो साइड्स में इसमें ये दो पॉकेट्स आपको मिल जाएंगे इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी ना ये भी कंप्लीट आ रही थी और इसका जो मटेरियल है इज़ जस्ट जस्ट वाओ बहुत अच्छा मटेरियल है गाइस इस तरह का इसका मटेरियल तो उसमें ना कोई भी सी थ्रू का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था फर्स्ट थिंग सेकंडली इसका जो मटेरियल है ना ये जो 100 परसेंट कॉटन होता है ना वो वाला मटेरियल है एंड इसमें कोई भी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग है किसी भी ट्राउजर में स्ट्रेचिबिलिटी नहीं है ना गाइज दिस इज अ रियली नाइस थिंग बिकॉज उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना वो काफ़ी ज्यादा हो जाती है एंड आई जस्ट लवड इड गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में बड़ा ही सुंदर इसका लुक आ रहा था नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल तो जो अगला ट्राउजर है गाइस एज दिस और ये वाला जो ट्राउजर है वुमन रेगुलर फिट प्लेन प्लेडेड ट्राउजर जो कि साइज़ थर्टी में मैंने परचेज किया था और जो प्राइस मैंने इसका पे किया था सेवन नाइन नाइन रुपीज़ और अभी ये सात सौ उन्नीस रुपये में अवेलेबल है एंड दिस इज हाउ दिस ट्राउजर लुक तो इसका जो कलर है ना गाइस जो पिक्चर में दिखा रही है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसका जो पिक्चर वाला कलर है ना वो ये वाला है बट एक्चुअली इसका जो कलर है वो ये वाला है लाइक कलर में ना मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था जब ये डिलीवर हुआ था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि कलर तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बट येट ये वाला जो कलर है इन्हें काफी ज्यादा अच्छा है लाइक बहुत ही बेसिक सा जो कलर होता है ना वेरी बेसिक सा इसका ये कलर है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक गाइस तो इसका जो वेस्ट लाइन है ना इसमें इस तरह का ये इलास्टिक दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ द बटन क्लोजर्स लुक यहाँ पे इस तरह की ये पॉकेट्स दिए हुए लाइक इसमें साइड पॉकेट्स अवेलेबल है सो दे आर कॉलिंग इट अ रेगुलर फिट ट्राउजर पर ना ये मुझे वाइड लेग ट्राउजर लग रहा था पहनने के बाद में इसका जो लुक आ रहा था ना वो वाइड लेग ट्राउजर जैसा आ रहा था एंड ना ये मुझे थोड़ा सा ढीला भी हो रहा था लाइक दिस इज लूज टू मी तो आई थिंक ना इसमें एक साइज ना डाउन करके परचेस करना पड़ेगा तो अगर आपका साइज थर्टी है तो आपको इसमें ट्वेंटी एट साइज लेना पड़ेगा तब इसकी जो फिटिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी आएगी इसका जो स्टफ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टफ है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक गाइस अगर स्ट्रेचिबिलिटी की बात करें ना गाइस तो इसमें स्ट्रेचिबिलिटी भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मिनिमल सी स्ट्रेचिबिलिटी इसमें अवेलेबल है जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है पहनने के बाद में और बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस लाइक दिस इज़ अ परफेक्ट परफेक्ट पिक फॉर ऑफिस अगर आप ऑफिस के लिए ट्राउजर देख रहे हो ना देन आज का वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल बिकॉज दिस इज स्पेशली जो ऑफिस वियर ट्राउजर्स होते हैं ना वही मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसके बाद में कैसे आ जाते हैं सॉल के नेक्स्ट ट्राउजर पे तो जो नेक्स्ट ट्राउजर है ना सॉल का हाई राइस ईजी वॉश ट्राउजर जो कि थ्री सेवेंटी फोर रुपीज का है कुड यू वाइज बिलीव दिस इज एट थ्री सेवेंटी फोर रुपीज़ और साइज़ मैंने इसमें अपना थर्टी ही लिया है एंड गाइज जब मैं इसको परचेज़ कर रही थी ना आई वॉज नॉट एट ऑल श्योर मुझे ना बिल्कुल भी श्योर नहीं था तो दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कोटी और मैंने ना कोटी का बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ था लाइक like, मुझे ये पता था कि कोटी के जो ट्राउजर्स आते हैं या फिर जो जींस आते हैं लाइक like उनके जो कपड़े आते हैं ना वो काफ़ी अच्छी खासी मिनिमल रेंज में आते हैं बट ना मुझे कभी भी उनकी ना क्वालिटी चेक करने का इतना टाइम ही नहीं मिला लाइक मैंने कभी परचेज नहीं किया बट इस बार मैंने सोचा कि चलो यार मैं मंगा के देख लेती हूँ कैसी इनकी क्वालिटी होगी ये भी चेक हो जाएगा और इस वाले ट्राउज़र का जो क्वालिटी है ना लाइक इसकी जो फिटिंग है जो मैंने पिक्चर्स लगाने लगा इसमें आप देखो इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल ये मुझे फिट हो रहा था लाइक दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल इसकी जो स्ट्रेचिबिलिटी है ना इज़ वेरी नाइस बहुत अच्छी इसमें स्ट्रेचिबिलिटी है तो सबसे पहले तो ना आप ये ट्राउजर देखो लाइक दिस इज़ हाउ द ट्राउजर लुक जिसकी जो वेस्ट लाइन है ना एज इलास्टिकेटेड और इसमें ना बहुत अच्छी ना जो जो स्ट्रेचिबिलिटी होती है ना दिस इज़ वेरी स्ट्रेचिबल आगे की तरफ ना इसमें इस तरह के ये दिए हुए हैं और जो इसका क्लोज़र है ना दिस इज़ अ ज़िपर क्लोज़र जो यहाँ पे इसमें ना इस तरह का ये जिपर दिया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लुक एट द क्वालिटी गाइज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ऐसा ना एक ट्राउज़र आपने मेरे पास ऑलरेडी देखा होगा मैंने एच एन एम से परचेज़ किया था और आपको पता लग गया होगा कि मैंने एच एम से परचेज़ किया ना तो मैंने वो अच्छे खासे प्राइस परचेज़ किया होगा लाइक तीन सौ रुपये का तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता बट एट थ्री हंड्रेड या तीन सौ सत्तर रुपये के हिसाब से ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसमें ना नीचे की तरफ इस तरह के ना ये स्लेट्स दिए हुए हैं एंड दिस इज हाउ द मटेरियल लुक इफ यू गाइस कैन बी एबल टू सी द मटेरियल दिस इज़ रियली रियली नाइस लाइक बहुत ही ना अच्छा सा और बहुत ही ना सॉफ्ट सा इसका मटेरियल है बिल्कुल भी ना इसे परेशान करने वाला या मतलब तो ख़राब सा मटेरियल नहीं है लाइक मटेरियल इज़ रियली नाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में बहुत ही अच्छे से ना ये फिट हो रहा था लाइक like, इसकी जो फिटिंग आ रही थी ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही थी और उसकी जो लेंथ है वो भी कंप्लीट आ रही थी लाइक मैंने हील्स डाले थे और हील्स के बाद में भी ना ये काफ़ी अच्छे से ना मुझे फिट हो रहा है मस्ट 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 हैव ब्लैक कलर ट्राउज़र और थ्री सेवेंटी फोर रुपीज़ में दिस इज़ अ स्टील ऑन डील गाइज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग बहुत अच्छा है मुझे ना इतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी लाइक मैंने इससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा मुझे लग रहा था कि ठीक है मंगा के देख लेते हैं बट ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा सा आया है नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्राउजर फॉर दिस हॉल द जगला ट्राउजर है गाई पैल ट्राउजर जो कि सिक्स नाइन्टी टू रुपीज़ का है साइज़ जो मैंने परचेज किया था ना गाइस साइज़ थर्टी टू लिया है एंड दिस इज हाउ दिस ट्राउज़र लुक्स एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस तो पहले तो ना मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ तो यहाँ पे ना इसमें ये जिपर दिया हुआ है जिसके थ्रू ये क्लोज हो जाता है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक एंड लोकेटेड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ तो ये वाला जो कलर है ना गाइस और जो मैंने पहले वाले ट्राउजर में आपको कलर दिखाया था ये दोनों ना काफ़ी डिफरेंट है बिल्कुल भी ना एक जैसा सा कलर नहीं है आप अभी ऐसे देख रहे हो गे ना तो आपको लग रहा होगा कि ये सेम कलर है बट सेम कलर नहीं है और इसका जो मटेरियल है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है तो इसका जो मटेरियल है गाइस इस तरह का है और बहुत ज़्यादा ना अच्छा सा इसका ये मटेरियल है इफ़ यू गाइस कैन बी एबल टू सी और इस तरह का ये ट्राउज़र है गाइस एंड इसमें ना कोई भी ऐसे बटन वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसलिए ना इसको ये पैरेलल ट्राउज़र कह रहे हैं तो इसमें ना कोई भी पॉकेट वगैरह अवेलेबल नहीं है कोई बटन नहीं है कोई ज़िपर नहीं है कुछ भी नहीं है बस ज़िपर है बटन नहीं है बट इसमें जिपर अवेलेबल है तो यहाँ पे इस तरह का ये जिपर दिया हुआ है जिसकी वजह से आप इस, जिसके साथ आप इसको क्लोज कर सकते हैं इसकी भी जो लेंथ मुझे आ रही थी काफी ज्यादा अच्छी सी आ रही थी लाइक बिल्कुल भी ये शॉर्ट नहीं हो रहा था पहनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था जस्ट जस्ट लव इट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से क्वालिटी में है सो या दिस इज हाउ इट लुक्स इसके बाद में गाइस आ जाते हैं के नेक्स्ट ट्राउजर पे बाद so, जो नेक्स्ट ट्राउजर है गाइस दिस इज अ वुमन टेपर्ड फिट प्लीडेड ट्राउजर जो कि फोर थर्टी सेवन रुपीज का है कुड यू बिलीव फोर थर्टी सेवन रुपीज का इस साइज ने इसमें थर्टी टू लिया था और अभी जो सेल चल रही है ना इसमें इसका जो प्राइस हो रहा है थ्री फिफ्टी नाइन रुपीज जस्ट 359 और इसमें ना दो कलर्स और भी अवेलेबल हैं और मैंने जो कलर परचेज़ किया गया वो ये वाला है हालांकि ना ये वाला ट्राउज़र मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था इसमें ना मैंने साइज 32 टू परचेज़ किया था जस्ट बिकॉज किसी उस टाइम पे ना इसमें साइज 30 अवेलेबल नहीं था बट फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मंगा के देख लेती हूँ बिकॉज़ ज़्यादातर तो साइज थर्टी और थर्टी टू ही ना दोनों ही मुझे ठीक ठाक आते हैं बट इस वाले ट्राउजर में ना साइज़ थर्टी मुझे थोड़ा सा ना लूज़ लग रहा है तो दिस इज़ हाउ द ट्राउजर लुक एंड दिस इज़ अ प्लीडेड ट्राउजर आपने ऑलरेडी कई बार देखा होगा कि मैं आपको ना बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रही होती कि ट्राउज़र इज़ मस्ट मस्ट हैव मस्ट हैव जस्ट कि उनका जो फिट होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है जिसकी वजह से ना हर तरह का टॉप या हर तरह की शर्ट ना उसके साथ में बड़े आराम से चली जाती है सो दिस इज अगेन अ प्लीडेड ट्राउजर और ये ना इसको ऑरेंज कह रहे थे जब मैं इसको ऑर्डर करी थी ना आई वॉज लाइक कि अगर ये ऑरेंज कलर में आएगा तो ये कैसा होगा बट ये ना ऑरेंज कलर तो नहीं है आई होप कि ना आप कैमरे में भी ये चीज़ देख पा रहे होगी कि दिस इज नॉट अ ऑरेंज कलर ये ना कुछ ऑरेंज और पिंक का ना कुछ तो मिक्सचर है जिसकी वजह से ना बड़ा सटल सा ये कलर है जो न्यूडिश कलर होते हैं ना उसका जैसे इसका लुक है मतलब बिल्कुल भी ना आंखों को चुभ नहीं रहा खराब सा नहीं लग रहा देखने में तो दिस इज से द ट्राउजर लुक गाइस एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग तो इसमें जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी वो यही थी गाइस कि इसमें ना कोई भी बटन क्लोजर नहीं है लाइक यहाँ पे ना डायरेक्टली बस एक जिपर दिया हुआ है कोई भी ना बटन नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये ट्राउजर परचेज करोगे ना देन गो फॉर अ बटन हेयर लाइक यहाँ पे आप बटन या होप कुछ भी लगा सकते हैं सो दैट ये थोड़ा सा सेफर हो जाए एंड दिस से ट्राउजर लुक्स में ना दोनों ही तरफ इस तरह के ये पॉकेट्स दिए हुए हैं एंड इसका जो मटेरियल है ना गाइस इज लाइक दिस इज़ रियली नाइस लाइक बहुत ही अच्छा सा इसका ये मटेरियल है एंड इसमें ना स्ट्रेचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है दिस इज जीरो जीरो परसेंट स्ट्रेचेबल एंड दिस इज द ट्राउजर लुक आई पहनने के बाद मैंने ना काफी अच्छा लग रहा था बस इसका जो फिट है वो थोड़ा सा लूज आ रहा था जस्ट बिकॉज की ये मुझे वैसे ही लूज था लाइक like, इसका जो साइज़ है ये मैंने एक नंबर बड़ा ही लिया था तो इसलिए इसका जो फिट uh, आ रहा है ना जो लुक आ रहा है वो थोड़ा सा लूज आ रहा है येट ये पहनने के बाद में काफ़ी ज्यादा ना कंफर्टेबल रहा है न, था, ये कलर भी काफी ज़्यादा अच्छा लगा कमिंग अप टू द नेक्स्ट ट्राउजर for this haul and this is the last trouser for this haul yes guys this is the seventh trouser and this is the last trouser for this haul pleated pleated parallel trouser जो कि 549 रुपीस का है और इसमें ना चार कलर से अवेलेबल है इसमें मैंने बर्गंडी कलर मगा बर्गंडी बर्गंडी कलर मगाया है और इसमें ना तीन कलर्स और भी लाइक उसके अलावा तीन कलर्स और भी अवेलेबल हैं साइज मैंने इसमें 32 टू परचेज किया है बिकॉज ये इसमें 32 ही साइज मुझे रिकमेंड कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मिंत्रा पे जो रिकमेंडेशन सारे होते हैं ना जो भी साइज ये रिकमेंड कर रहे होते हैं अगर हम वो वाला साइज मंगा रहे होते हैं ना तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो हमें अच्छे से फिट हो जाएगा दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक गाइज एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग इसका जो कलर है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट सा साइ कलर होता है ना वेरी डिफरेंट सा कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला कलर तो सो दिस इज़ हाउ द ट्राउजर लुक इसका जो बटन इसका जो क्लोजर है ना ये बटन क्लोजर है एंड दिस इज हाउ द ट्राउजर लुक तो इसकी जो लेंथ है ना ये थोड़ी सी कम है थोड़ी सी क्या मुझे तो लग रहा है ये काफ़ी कम है मेरी हाइट के हिसाब से तो इसकी जो लेंथ है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम है तो जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स है ना उनके लिए तो दिस ट्राउजर इज परफेक्ट बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा मटेरियल है कोई भी ना सी थ्रू का प्रॉब्लम या किस कोई भी ना इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है इस वाले मटेरियल में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा मटेरियल है इसमें ना बिल्कुल भी स्ट्रेचिबिलिटी भी अवेलेबल नहीं है लाइक दिस इज नॉट एट ऑल स्ट्रेचेबल और जो मटेरियल है ना दिस इज अ कॉटन वाला जो मटेरियल होता है ना वैसा वाला मटेरियल है बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद में इसका जो फिट आ रहा था ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा आ रहा था लाइक like, बहुत ही ब्यूटीफुल नहीं मुझे फिट हो रहा था अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है या मेरे से ज़्यादा है देन डोंट गो फॉर दिस ट्राउजर बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही थी और मुझे ना जो इस तरह के क्रॉप ट्राउजर होते हैं ना वो थोड़े से कम पसंद है लाइक like मुझे ना उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते बट यू आर बट इफ़ यू आर समॉप्ड ट्राउज़र है वो पसंद आते हैं देन यू ग कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बिकॉज क्वालिटी वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हर तरह से ना ये बहुत अच्छा है मैं इसको रिकमेंड बस इसकी हाइट की वजह से नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ना थोड़े से लॉन्ग वाले जो ट्राउजर्स होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं सो दिस सेज हाउ दिस ट्राउजर लुक एंड आई जस्ट लव द कलर मुझे इसका कलर लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे इस वीडियो आई होप आज का जो वीडियो है गाइस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा आपको पसंद आया होगा ये जो कलेक्शन मैंने आपको दिखाया ना गाइस ये कलेक्शन आप लोग को ज़रूर से पसंद आया होगा एंड इफ़ यू वाइस लाइक डिट दैट प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज़ और इसी के साथ मैं अब मैं आपसे आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट रिव्यूज़ के साथ में टिल दर अपना ख्याल रखो टेक केयर बाय